ঠিক আছে। হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু দিস নিউ ভিডিও ফ্রম অ্যাসেন এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল। ইন দিস ভিডিও আই উইল শো ইউ দ্যাট ইন্টিরিয়ার ডিজাইন প্রেজেন্টেশন ইন এ অফিস। সো ওয়াচ দিস ভিডিও আপ টু দ্য এন্ড, আই থিঙ্ক ইউ উইল লার্ন সামথিং ফ্রম দিস মিন্স প্রেজেন্টেশন। অর ইফ ইউ লাইক টু do like this presentation, then you can also contact with us. So right now we go to the presentation details about this place. So main bulana chahunga ya is presentation ko jo last tak leke aaya hai, beginning se ending tak उनको मैं बुलाना चाहूँगा एंड उनके मुंह से ही हम सुनेंगे कि इतना बड़ा, सॉरी ये बड़ा नहीं है, ये मतलब ऑफिस का काम है, ऑफिस इंटीरियर का प्लेन काम है, तो उन्होंने कैसे इसको मतलब बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक जो जो प्रेजेंटेशन किया है, तो उनको प्रेजेंटेशन करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो हम उनसे सुनेंगे अभी। तो चलते हैं, उनसे बात करेंगे। जाओ। Hello. How are you? Fine. So this is our project manager, जिन्होंने ये मतलब इंटीरियर डिज़ाइन करके इस रूम को ऐसा बनाया है, तो हम अभी उनसे बात करेंगे कि उन्होंने बताएगा कि क्या क्या बनाया है, क्या काम हुआ है यहाँ पर, तो ज़रा बताइए सर। सबसे पहले इंटीरियर स्टार्ट करने के लिए हम लोग को पहले उसको कैड पे प्लान करना पड़ता, जो एम्प्टी एरिया रहता है हम लोगों का, उसको हम लोग प्लान करते हैं। अच्छा। और क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उनको ऑफिस चाहिए तो ऑफिस बनाना है। अच्छा, ठीक है। तो एक कैबिन हम लोग रेडी किए हैं सर के लिए, जो अंदर है, जो अगर आप लोग देखना चाहते हैं हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा। आइए, ये एक एमडी का कैबिन हो गया, चार पाँच स्टाफ बाहर बैठ सकते हैं, अंदर एमडी बैठ जाएगा। और इस तरह से एल शेप का एक टेबल होता है, और सो अपना इधर इनसाइड, ये लैपटॉप वैपटॉप रखने के लिए जिस तरह के ड्रॉवर होते हैं वो बनाया गया है, और ये वाली जो स्टोरेज है उनका, जो फाइलिंग हो जाएगा कुछ सामान रख लिया, फाइलिंग कुछ भी समथिंग, एल शेप में इधर एक चेयर रहती है जो एमडी को दिया जाता है, ठीक है। और बाकी एज वेल डोर समथिंग सॉफ्ट बोर्ड जो भी है, हाँ बन गया इस तरह वाले। ये डोर के पीछे जो है हम लोग एक स्टोरेज दिए हैं, जो पेंट्री हाउसकीपिंग जो भी कुछ रखना चाहे रख सकते हैं। अच्छा। एक सिटिंग सोफ़ा सूट है, सिटिंग सोफ़ा सीटर है, इसमें स्टोरेज भी है प्लस सिटिंग स्टाफ, वेटिंग स्टाफ जो भी है वो सब हो सकता है। ये एरिया में एक स्टाफ और भी बैठ सकता है, मैंने इस जगह को इस तरह बनाया कि यहाँ पर एक स्टाफ और बैठ जाए, और एक मंदिर छोटा सा दे दें, पूजा पाठ तो होना ज़रूरी है। एसी डक्टिंग के लिए हमने एक जंक्शन बनाया, कभी भी खोला इसे सर्विस दे दिया, इस हिसाब से बनाते, ठीक है। ये हम लोग वायरिंग का पैनलिंग कर लिए, इस तरह से पूरे लाइन को सर्किट का डिवाइडर किया गया, ठीक है। और स्टाफ के लिए कुछ सेल्फ यहाँ प्रोवाइड किया गया, और यहाँ चार बंदा जो बैठेगा उनको भी फाइलिंग स्टोर जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, फाइलिंग स्टोर और कीबोर्ड, आप ट्रे भी यूज कर सकते हैं रख के, ड्रावर में कुछ मोबाइल्स वोबाइल रख सकते हैं, यहाँ आप कंप्यूटर रख के वर्क कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को एक कैड पर डिज़ाइन बनाना पड़ता है। अच्छा। कि एल शेप का टेबल बनाना है। अच्छा। या वर्क स्टेशन बनाना है। अच्छा। या सोफ़ा सीटर वेटिंग बनाना है, इसके लिए हम लोग पहले कैड पर प्लान करते हैं। अच्छा। कौन से जगह पर क्या सूट बैठेगा। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किधर भी कुछ हम लोग प्लान कर सकते हैं, ये एक प्लान होता है। अगर प्लान नहीं करेंगे तो काम में प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, इसलिए काम के पीछे प्लान बहुत ज़रूरी है, और वो कैड पे डिज़ाइन करना पड़ता है हम लोगों को कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आके बैठ रहा है, ठीक है। तो इस प्लान को करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉल सीलिंग पे चाहते हैं। फॉल सीलिंग के लिए डिज़ाइन होता है, किधर बॉक्सिंग होना है, किधर ट्रे लगेगा, किधर एलईडी लाइट्स आएगा, हाँ जैसे कि एलईडी लाइट्स आप देख रहे हैं, लाइट बॉक्सिंग देख रहे हैं, आप कैबिन में भी देख सकते हैं एलईडी लाइट बॉक्सिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे हम लोग करते हैं कि ताकि वो वायरिंग भी पहले हम लोग फॉल सीलिंग के पहले डाल सकें, ताकि वो लाइट्स उस जगह पर आ जावे और वायर हाइड हो जाए, है ना। वो होने के बाद हम लोग का कारपेंट्री स्टार्ट होता है। कारपेंट्री में भी लैमिनेट का बहुत फ़र्क है,
एक तो लैमिनेट होता है, एक पीवीसी लैमिनेट होता है। ये वाइट वाली पीवीसी लैमिनेट है, इसमें ये दिमाग विम्मा कुछ भी नहीं लगता, ये प्रॉपरली वर्क करता है, अच्छा है, ठीक है। मैंने ग्लास में फिल्म भी लगाया है, इस तरह से ग्रु आया है ग्लास में फिल्म लगाने का, ठीक है। और हमने सोफ़ा सीटर जो बनाया है, इसका दो इस तरह का ही दो फोम गद्दा है, जो अभी पेंट गीली है, इसके लिए हम लोग इसको स्वॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक जो है इसी तरह का ही सो फोम रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा मंदिर दे दिया वहाँ पे, एक स्टाफ का जिस तरह से ऑफिस होना चाहिए, चार आदमी बंदा काम करने के लिए और एक मैनेजर जो भी रहे उसे हैंडल करे, उस हिसाब का ऑफिस है ये, ठीक है। बाकी का बता नूं जी आपको, जो भी बता सकते हैं बताएं, ठीक है। तो सर बताया है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन्होंने कैसे किया है, क्या क्या किया है यहाँ पे, तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये एक ऑफिस का डिज़ाइन है, नॉर्मल एक ऑफिस है, तो हम डिज़ाइन किया है इसे, जैसे हम पहले प्लानिंग किए थे जो ओनर है उनसे बात करके, तो उनके हिसाब से हम ये बनाया है। तो कहना ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जब ये आप लोग जब वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आया कि हम एक इंटीरियर करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे, हम लोगों को ऑफिस को ऐसे बनाएंगे, तो हो सकता है कि हमारे ये वीडियो से आपको कुछ आइडिया लग जाए आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए और कैसा आप बनाना चाहते हो। और एक बात है कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को भी कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराना है, हो सकता है ऑफिस में, कोई घर में और कोई शॉप में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हम चाहेंगे कि जो एक्चुअल बजट है उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट जितना सुंदर हो सके हम बनाने के लिए 100% कोशिश करेंगे। तो यही एक प्रेजेंटेशन था, हम कैसे काम करते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट में मीन्स कैसे काम चलता है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। ये था इस वीडियो में, ऐसा वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा, ऐसा हम लोगों का नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिनिश होने के बाद हम लोग और एक प्रेजेंटेशन देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑल्सो द बेल बटन टू गेट द न्यू वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन। अरे बंद करो, बंद करो।